Hi everyone, welcome back to my channel. This is Razi. I hope you all are doing well. So आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ मिंत्रा से जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, ड्रेसेस, जीन्स, टॉप, वो सब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. ये वीडियो बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊँ, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए मुझे शॉपिंग करते हुए. बहुत कुछ मैंने मंगवा लिया है, तो मैं आपको दिखाऊँ कि क्या कुछ मंगवाया है. देखिए, मिंत्रा. तो बहुत ज़्यादा शॉप किया मैंने मिंत्रा से, अमेज़ॉन से भी किया, पर वो मैंने सिर्फ फुटवेयर्स किए हैं. तो फर्स्टली मिंत्रा ये होल है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ. वो प्रोडक्ट है ये गोल्ड वेस्टर्न बॉल गोल्ड चैन है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज है स्टाइलिश गर्ल्स फैशन नाम से, उन्होंने मुझे ये सेंड किया है. जब उन्होंने मुझे इस पिक की मतलब इसकी पिक मुझे सेंड की ना, तब मुझे लगा कि ये चाइना मतलब चाइनीज़ से कुछ होगी, इतने मतलब कुछ खास नहीं होगी, नॉर्मल होगी. लेकिन जब मेरे पास पहुंची और मैंने इसकी क्वालिटी देखी, सीरियसली बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल गोल्ड की तरह लगती है एकदम ही. तो गाइज प्लीज़ चेक द पेज, स्टाइलिश गर्ल्स फैशन नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, वो पेज चेक करिए. आई थिंक एक नाम और है ज्वेलरी बाय काजल शायद, तो वो भी पेज आप चेक करें. तो वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी का कलेक्शन है, वॉचेस भी अवेलेबल हैं, जो भी आपको लगे आप वहाँ से देख सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ऐसी है, बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छी लगती है ये पहनी हुई. सी कैसी लग रही है ये, देखो कितनी प्यारी लग रही है. तो वो ये टॉप्स भी कुछ ऐसी. तो गाइस प्लीज चेक करना फिर स्टाइलिश गर्ल्स फैशन नाम से, कोई भी ज्वेलरी की जरूरत है वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मिंत्रा होल. फर्स्टली मैं आपको इसमें जीन्स दिखाऊंगी, जो भी मैंने जीन्स ऑर्डर की हैं, और जितने भी मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी इसके अंदर, तो वो साइज ड्रेसेस का साइज जो स्मॉल है और जीन का 28 रहेगा. अगर किसी का साइज कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी. ज़्यादा तो होने का चांस ही नहीं है, कम हो सकता है, 26 नंबर हो सकता है. तो फर्स्ट मैं शो कर रही हूँ मस्ट एंड हर्बर की ये जीन है, कैन सी डार्क ब्लू कलर की ये जीन है. ये बूट कट जीन है, नीचे से खुली है, ऊपर से टाइट है, पर ज़्यादा टाइट नहीं है, नॉर्मल है. और ये है मस्ट एंड हर्बर की, जो मैंने अभी आपको बताया. एक्चुअली इसमें साइज का काफ़ी इशू था, तो जब मैंने इसको ऑर्डर कर रही थी तब मैं 28 साइज मंगवाया था, लेकिन 28 क्या मुझे काफ़ी लूज़ रहा बहुत. फिर मैं 26 ऑर्डर किया और मुझे पता नहीं 26 में थोड़ा सा लूज़ लगा, अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी लूज़ है. अगर इसमें थोड़ा सा इतना और कम हो जाए ना, तो मुझे परफेक्टली फिट हो जाए, बट इट ओके, बुरी नहीं लगती पहनी हुई, अच्छी लगती है. तो ये मेरी फर्स्ट है. आई थिंक इसको मैंने 650 समथिंग कुछ खरीदा था, वैसे है ही कॉस्टली, पर जब मैंने खरीदा काफ़ी ऑफ लगा हुआ था तो मैंने खरीदा था. बाकी एग्जैक्ट मुझे प्राइस का नहीं पता, वो प्राइस मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे बताती रहूँगी, और लगती कैसे पहने बाद वो साइड पे आपको दिखाती रहूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा. और साइज़ इसका 26 है, बाकी जितनी भी जीन्स दिखा रही हूँ उसका 28 है, क्योंकि इसका साइज इशू रहेगा. जिनको 30 आता है वो 28 मंगवाएं, जिनको 28 आता है वो 26 मंगवाएं. सेकेंड जीन है नुश बरान की, जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत ही लाइट कलर है. नुश बरान की ये जीन है, जो कि अभी मैंने शूट किया था. ये है फ्लेयर जीन है, बूट कट नहीं है, ऊपर से ही मतलब लूज़ होना शुरू हो जाती है और नीचे तक एज ए प्लाजो की तरह ही लूज़ रहती है. तो परफेक्टली ये मुझे मतलब फिट आई है नुश की, और इसका साइज़ 28 है. अब हर जीन का साइज़ 28 ही रहेगा, तो वो काफ़ी लॉन्ग है, बिल्कुल मतलब मुझे बहुत पसंद आई. इसका प्राइस है 1550, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर आपको अच्छी लगे आप चेक कर सकते हैं. अभी सेल चल भी रही है 16 से लेकर शायद 22 पता नहीं 24 तक चल रहेगी मिंत्रा की, उसके बीच बीच में अगर मैंने वीडियो पोस्ट कर दी तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो भी आगे दिवाली आएगी तो उस पर भी आपको फ़ायदा हो जाएगा. लेकिन बूट कट जीन ऑर्डर की है, जो कि है रोड स्टाइल की, इसका साइज़ 28 है, और ये कुछ एथनिक है, कलर इसका ब्लू है, थोड़ा डार्क ब्लू, ज़्यादा भी नहीं है. तो ये बूट कट जीन है, ये मैंने ऑर्डर की थी, तो अभी मंगवाई है मैंने, इसमें मैंने शूट कर चुकी हूँ मैं, और आपको फोटो यहाँ पे साइड पे मिलती रहेगी. अच्छी है ये भी जीन, मैंने वॉश भी कर लिया है, अच्छा है. बट इसका जो कहते हैं ना झोली कहते हैं, जब ये जो चीज़ है इसकी, ये थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी, बड़ी मतलब हाई वेस्ट जीन है, तो ज़्यादा हाई वेस्ट करने पर भी इतना है ना थाई के पास काफ़ी इसके सल वगैरह से पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मुझे इतनी मतलब ठीक है, अच्छी लगी इतनी भी. अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो ये मुझे 8 लगी,
नुश मुझे पूरी 10 लगी, और जो फर्स्ट फर्स्ट मैंने आपको शो की थी वो भी मुझे 8 लगी, उसको मैं 8 दूंगी मार्क्स। ओके एंड नेक्स्ट लास्ट मेरी जीन है ये, जो कि मैंने फैब में मंगवाई थी लॉकडाउन से पहले, तो आज सोचा मंत्रा का बना रही हूँ तो ये भी मंत्रा से मंगवाए प्रोडक्ट है, तो इसको भी दिखा देती हूँ। ये है हेयर एंड नाव की जीन है, 28 साइज है, स्किनी फिट जीन है, कुछ ये कलर है, स्किनी फिट जीन है, और इसमें 28 साइज मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन आफ्टर वॉश ये और श्रिंक हो गया, मुझे परफेक्टली फिट हो गया, क्योंकि 28 थोड़ा थोड़ा लूज़ रह जाता है मेरे। तो जो भी गर्ल्स हैं जिनको मतलब 30 परफेक्टली आता है, कई बार उनको 28 भी आ जाता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मंगवाएं, क्योंकि वॉश के बाद ये श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा और टाइट हो जाएगा। तो ये है, प्राइस इनके मुझे नहीं पता, या नीचे स्क्रीन पर या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसके अंदर पता चल जाएगा। बिल्कुल डिफर चीज़ है जो मैंने ऑर्डर किया है। एक्चुअली जब मैं ये सब जीन्स वगैरह टॉप वगैरह ड्रेसेस वगैरह देख रही थी ना, तब सडनली मेरे सामने वो चीज़ आई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और बाई चांस उसका रेट भी बहुत कम था, प्राइस मतलब डिस्काउंट बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। वैसे तो वो है 4,900, 5,000, मतलब पूरा 5,000 था, 5,000 का पूरा ये कोट है, ब्लेज़र है मतलब। तो लेकिन तब जब ऑफ लगा होता ये मुझे 1,800 या फिर 1,700 समथिंग कुछ ऐसा ही मुझे पड़ा है सिर्फ, तो काफ़ी ऑफ था ये मतलब डिस्काउंट, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये वो ब्लेज़र है जो मैंने अभी ऑर्डर किया है, तो अभी मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि अभी सर्दी आई भी नहीं, पहनूंगी कैसे। तो इसकी स्लीव कुछ ऐसी हैं, स्लीव पे 3 बटन हैं, तो फुल लॉन्ग स्लीव्स हैं, क्योंकि मेरी बाजू लंबी है, मेरी लेग्स लंबी हैं, कमर मेरी छोटी है, तो मुझे परफेक्टली फिट आया ये दोनों साइड। और कुछ ऐसी इसकी लुक है, यहाँ 3 बटन है, यहाँ है, और इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी एक जैसा होता है नॉर्मली कोट्स वगैरह में, और एक एक्स्ट्रा बटन इन्होंने साइड पर दिया है, बाई चांस टूट जाए तो, मेरे तो टूटते रहते हैं वैसे भी, 2 हैं, 1 भी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, 2 बटन, ये तो मेरे तो कोट वोट के ना शर्ट्स वगैरह टूटे ही रहते हैं बटन, मम्मी थप है वो जोर से मारती है। ओके इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल है या मीडियम है, सेकंड लेट मी चेक, मीडियम है साइज ये जहाँ तक मुझे पता है, या स्मॉल है मुझे पता नहीं। ओके मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ना, तब मैं चेक कर लूँगी कि ये साइज़ कौन सा है, स्मॉल है मीडियम है, तो स्पेशली मैं मेंशन कर दूँगी इसका साइज क्या है। कलर का इस तरीके से टॉप है, इस पर रेड कलर के ही कपड़े के बनाए हुए बटन इस तरीके से लगे हुए हैं, और इसकी स्लीव्स बड़ी प्यारी हैं, पर कैन सी स्लीव्स, इसकी बाउंसी से स्लीव्स हैं, फ्लफी स्लीव हैं, और स्टार्टिंग में इलास्टिक लगी हुई है, जो भी साइज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और ये बैंड नेक है इसका, मीडियम साइज है ये, मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया है इसका, और ये इस तरीके से कुछ है, ये रेड कलर है, इसे मैंने वॉश कर लिया, कोई कलर वगैरह कुछ नहीं किया, हरपा कंपनी मतलब हरपा ब्रांड है उसका है ये, कुछ ऐसा ये टॉप है, इस पर बटन, ये बटन है इसकी, एक अंदर है अभी बंद नहीं किया हुआ, और इसके यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं कुछ ऐसी, थोड़ी सी लूज़ है मतलब अगर वियर करें ना तो इसको ये थोड़ा सा स्ट्रिप्स इसकी लूज़ रह जाती है, आई थिंक टाइट कर ली मैंने, हाँ मैंने टाइट कर ली है, देखो मैं थोड़ी स्टिचिंग जानती हूँ ना, मैं खुद से अल्टर कर लेती हूँ चीज़ों को, ग्रीन धागे से कर ली, ब्लैक नहीं मिला तो अंदर ही तो आना है, तो मैंने इसको सही किया, इसकी थोड़ी सी स्ट्रिप्स लूज़ आ जाती हैं, तो वो आप अगर थोड़ी बहुत स्टिचिंग जानते हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ये नहीं कि साइज छोटा बड़ा मंगवा लो, बड़ा मंगवा लो, क्योंकि फिर वो यहाँ से लूज़ टाइट हो जाता है। तो ये बाजू है इसकी कुछ ऐसे कफ बाजू हैं, कैसी यहाँ बटन है इसका, तो ये सिंपल सा टॉप, ओके ब्लैक, ये है कार्ल्टन लंदन से, लंदन का कुछ ये टॉप है, इसके ऊपर जो लिखा है इसके सेकंड, यस ये इस पर बटन दी हुई है, वी इसका नेक है, और नीचे इसके इलास्टिक लगी हुई है, फिटिंग जो कि कमर पे पूरी फिट आता है, और स्लीव्स में भी इसकी इलास्टिक लगी हुई है, तो या थोड़ी खुली खुली सी इसकी स्लीव्स है, कलर बहुत प्यारा है इसका, और फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, और इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि डार्क कलर के नीचे ना इनर पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जस्ट आप अपनी ब्रा पहनो, देन यू कैन वियर इट, नो नीड टू वियर इनर्स। ओके सबसे पहली ड्रेस है,
दिस इज ब्लू कलर की ड्रेस है, सेंटीन सा कपड़ा, मतलब सिल्क टाइप सा कुछ कपड़ा है। और ये मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी, तो ये है street9.com, मतलब स्ट्रीट नाइन इसकी ब्रांड होगी। तो जो भी है, तो इसका ये है ड्रेस, कुछ ऐसी है, मतलब वन शोल्डर ड्रेस है, इस साइड नहीं है, इस साइड का है। और यहाँ पर बांधने के लिए, टाई करने के, इसको ये लगी हुई है, और नीचे से कुछ ऐसी है, मतलब वन साइड शॉर्ट है, एक साइड बड़ी है, कुछ ऐसी ड्रेस है ये। बड़ी सिंपल ड्रेस है, नॉर्मल। एक्चुअली जब मैंने इसे ऑर्डर किया था ना, तो मतलब ठीक है, मैंने मतलब देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ऑर्डर किया तो मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे हुआ कि चलो मैं इसे रिटर्न कर देती हूँ, बट फिर झंझट सा लगा रिटर्न वाला मुझे। मैंने कहा चलो छोड़ो, पड़ी है अब। आई थिंक ये सिर्फ 500 या 600 के तक की है ड्रेस, सिर्फ और सिर्फ। तो मैंने सोचा क्या रिटर्न करना है, क्या 500-600 का है सारा। तो ये ड्रेस है, अभी मैंने वॉश कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आपको ट्रायल में आ जाएगा। ट्रायल जब मैं इसको करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कैसी लगेगी ये ड्रेस। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये डोरी दी हुई है, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, साइज स्मॉल है इसका। ये है स्मॉल साइज है, ये मिंत्रा से ये मैंने ली है। ये ड्रेस ऐसी है, ये ड्रेस बहुत प्यारी है सीरियसली। जब मैं इसको ऑर्डर करी था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसको लेके कि मतलब ये इतनी अच्छी आएगी ड्रेस। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, एक सेकेंड, इसके अंदर रिमूव कर दिए मैंने टैग्स सारे, नहीं अभी, तो लिंक मिल जाएगा उसमें सब बताया होगा। तो ये कुछ ऐसी है, इसके रात पीछे भी फिटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी इसकी ना यहाँ पे स्टिचिंग भी की हुई है अंदर, ये चीज़। और साइड पे चाइन भी है, और ये लगी फिटिंग के लिए। ओपन करो एंड ड्रेस को वियर करो, नैक बंद करो। बट मुझे तो ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट वियर कर लेती हूँ उसको, तो क्योंकि पहले इतनी लूज़ है, इतना तो साइज खुद का है ही नहीं, तो ये पहले मैं तो सीधा ही पहन लेती हूँ, और वो भी मेरी लूज़ रहती है कमर से। तो ये ड्रेस है, काफ़ी अच्छी ड्रेस है, कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भी मुझे 500 या 600 में पड़ी थी, तो अच्छा रेट है ये भी। मास्टर्ड कलर भी बहुत प्यारा है इसका। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से, एक्टिव वियर ऑर्डर किया था। फिर मैंने इसको जब आया था ना, तभी मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा दी थी, तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इसको लेकर। तो अभी तक मैंने इसमें योगा या स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं किया, मुझे करना है। ये है ऋतिक रोशन ट्रेनिंग, HRX की ब्रांड है, मतलब ऋतिक की ये ब्रांड है, तो उसी का ये है। बहुत अच्छा है, देखिए टाइटी इसकी कुछ ऐसी है, ऊपर डार्क है ग्रीन, और नीचे नियोन कलर, यस नियोन कलर, फिर अगेन डार्क ग्रीन कलर, तो कुछ ये ऐसी टाइटी है। मैंने इसको ट्राई जब किया ना, उसमें मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करके देखा, अपने को ये होता है जब भी अपने एक्टिव वियर खरीदते हैं कि जब स्ट्रेच करेंगे ना, तो ये फटे ना कहीं से भी, इसका स्ट्रेच मतलब खुले ना कपड़ा, तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो ओपन वगैरह कुछ नहीं, कुछ खास स्ट्रेच नहीं, हाँ थोड़ा सा ना वाइटनिंग आ जाती है ऐसी आ रही है कपड़े में, बट इतना तो आएगा ही आएगा, तो बुरी नहीं है, मुझे अच्छी लगी। और मे बी मैं आगे मिंत्रा से और एक्टिव वियर शॉप करूँ, तो ये है। और इसकी स्पोर्ट्स ब्रा भी है, और ब्रा की सबसे अच्छी चीज़ जो है इसके अंदर लाइट से कफ लगे हुए हैं। ये स्पोर्ट्स ब्रा है इसकी, और इसमें बहुत ही लाइट कफ्स लगे हुए हैं, हमें नॉर्मल जो हम ब्रा वियर करते हैं उसमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वियर की जा सकती है। तो ये साइज एक्चुअली दोनों में से परफेक्ट, दोनों ही परफेक्ट आए हैं, दोनों ही दोनों ही। नेक्स्ट मैंने ये टॉप मंगवाया था, जो भी फैब में ही मंगवाया था, और ये है हरपा का, ये है स्मॉल साइज है, तो कुछ ऐसे शर्ट टाइप सा ये टॉप है। इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे कफ हैं नॉर्मल जैसे होते हैं बोथ साइड, तो काफ़ी अच्छा है, फिटिंग भी अच्छी है, मतलब लूज है वैसे, तो अच्छा लगता है पहना। वो कलर मस्टर्ड, इसमें सब कलर अवेलेबल है, रेड, पिंक, पीच, ब्लू, ब्लैक, वाइट, सब अवेलेबल है मिंत्रा पे। तो मैंने ये ऑर्डर किया था उस टाइम पे, तो वॉश के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। तो ये ड्रेस कुछ ऐसी है, जिसको मैंने एक्चुअली वियर किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा सल आए हुए हैं इसके अंदर। कॉटन कपड़ा है, बिल्कुल सूती कपड़ा है ये, और ऊपर इलास्टिक का कुछ काम किया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेचेबल है ये चीज़, हैवी हो तो भी एडजस्ट हो जाएगा, बट मेरी तो नहीं है, सो मुझे वैसे ही एडजस्ट हो जाता है। तो इसके स्लीव्स कुछ आगे ऐसी हैं, ओपन वाली यहाँ तक है, या मतलब कुछ इस तरीके से आएगी ये चीज़।
ये तो अंदर जाएंगी एक्स्ट्रा ही आती है, पता नहीं क्यों देते हैं ये, मुझे समझ ही नहीं आता। ये टाइटी के अंदर भी दी होती है, यहाँ भी दी होती है, तो ऐसे कुछ आएंगी। ये ड्रेस है, काफ़ी अच्छी ड्रेस है वैसे, पर इतना ही ना, इन सबको पहनने के बाद, जो ये ऑफ शोल्डर ड्रेसेस होती हैं, इनको पहनने के बाद लाइक अपने हैंड ऊपर करने होते हैं, वो हैंड्स ऊपर नहीं होते, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, पिक्स लेने के लिए नॉर्मल 1-2 घंटे के पहनने के लिए ओके हैं, बट पूरा टाइम नहीं पहन सकते, 24 आवर नहीं पहन सकते। तो इसका लिंक, हर प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्राइस यहाँ पे स्क्रीन पे आता रहेगा, साइड पे आपको दिखाती रहूँगी कैसी ये लगती हैं ड्रेसेस। ओके, नेक्स्ट मैंने मिंत्रा से ये स्लिंग बैग मंगवाया था, मस्टर्न हर्बल का ये स्लिंग बैग है। इसमें 2 चाइन्स यहाँ हैं, नॉर्मल है, मतलब दिखा देती हूँ नॉर्मल, जैसे इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ पड़े हैं इधर भी, इसके अंदर भी 1 चाइन है, तो वही इसके अंदर भी मेरे डॉक्यूमेंट कुछ, मतलब जो शॉपिंग के उनके बिल वगैरह पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो ये पीछे 1 चाइन है, तो इसी के भी स्लिंग बैग है। और इसकी ये इसकी पूरी स्ट्रिप है इतनी बड़ी। तो मैंने अभी बहुत कुछ ऑर्डर किया हुआ, आई थिंक 5 या 6-7 अभी चीज़ें और ऐसी हैं जो मुझे दिखानी है, पर वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको पोस्ट करूँगी, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत रहता है मेरे। तो इनमें से कुछ भी पसंद आता है, जो भी है, आप मिंत्रा पे जाके लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको साइज आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ की, जो भी अच्छी थी चीज़ या बुरी थी, वो सब बता दिया। और एक चीज़, हाँ, जो मैंने आपको रेड टॉप बताया था ना, ये वाला, इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा बटन आया है, तो वो वहाँ बेड पर पड़ा है, मैं खड़ी नहीं हो सकती उसके लिए, उसको उठाने के लिए, तो बड़ी आलसी हो रही हूँ, थक गई आज मैं वीडियो बना बना के। पहले मैंने ये मेकअप की वीडियो बनाई है, सूट पहना था मैंने, फिर मैंने चेंज कर लिया, मैंने कंफर्टेबल फील कर रही थी काफ़ी, और अब मैंने एक नॉर्मल टॉप पहन लिया, मेकअप वही है मेरा, और मैंने ये हुप्स पहन लिए हैं, तो वो मैंने झुमकी उतार दी है। तो गाइज, अगर आपको कुछ ऐसी सेम ये ज्वेलरी चाहिए, मतलब सिंपल वेस्टर्न बोल चाइन कुछ भी ऐसा, तो आप उस पेज को जरूर चेक करें एक बार। ये आज की हॉल की वीडियो है, और अगर आपको मेरी वीडियो जो मैं बनाती हूँ पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप कैसी वीडियोस मेरी देखना पसंद करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।